हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल विकास चौधरी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको लेके आया हूँ भगवान श्री कृष्ण जी की नगरी मथुरा में। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था, तो यहाँ का मंदिर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसा यहाँ का व्यू है। बट एंट्री यहाँ पे अलाउड नहीं, मोबाइल के अंदर जाने देंगे। तो मैं बाहर का व्यू आपको दिखा देता हूँ, यहाँ की मार्केट वगैरह। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कुछ इस तरह का व्यू मंदिर के बाहर का है। तो मंदिर के लेफ्ट साइड में यहाँ पे महिलाओं की एंट्री है इस साइड से। यहाँ से आप कोई भी अगर सामान घर से लेके आए हैं तो यहाँ पे जमा करवा सकते हैं, मोबाइल वगैरह, अपना पर्स वगैरह अंदर लेके नहीं जाने देते। और इसके अंदर चल के सामने यात्री विश्राम कक्ष है, जहाँ पे आप आराम भी कर सकते हैं। और लेफ्ट हैंड में इधर से मंदिर की एंट्री है, आप देख सकते हैं। और इधर राइट साइड में यहाँ पे मार्केट है। यहाँ से आप कुछ भी सामान परचेज करना चाहते हैं, यहाँ से खिलौने वगैरह एनीथिंग एल्स, तो आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। मार्केट के अंदर आप जा सकते हैं। तो यहाँ का व्यू आप देख सकते हैं मार्केट का, कि बिल्कुल अपोजिट में है राइट। तो यहाँ पे यात्री विश्राम कर रहे हैं, कोई खा रहा पी रहा है। इधर सामान घर है, लोकर रूम, यहाँ पे आप अपना सामान जमा करा सकते हैं जेंट्स के लिए इधर से। और यहाँ पे मंदिर के सामने बिल्कुल मार्केट है, यहाँ से आप कुछ परचेज करना चाहते हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पे धर्मशाला भी, अगर आप रेस्ट करना चाहते हैं यहाँ पे रूम वगैरह ले सकते हैं। तो काफ़ी बड़ा, काफ़ी फेमस ये मंदिर है। तो अलग अलग स्टेट से यहाँ पे आए हुए हैं, दूसरे देशों से भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं घूमने के लिए। और यहाँ पे मंदिर की एंट्री कोई फीस वगैरह नहीं है, आप आके मंदिर को अच्छे से देख सकते हैं अंदर से। बट मोबाइल अंदर लेके जाना अलाउड नहीं, तो मैं अंदर की वीडियो आपको नहीं दिखा पाऊँगा। बाहर का जो भी सीन है यहाँ का, मैं आपको पूरी वीडियो दिखा दे रहा हूँ। तो मार्केट बाहर आप देख सकते हैं। तो काफ़ी सिक्योरिटी यहाँ पे दी गई है, वहाँ पे चप्पे चप्पे पर पुलिस की सिक्योरिटी आपको मिल जाएगी। और अब बात कर लेते हैं यहाँ पे पार्किंग की। तो पार्किंग आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर आप बाइक लेके आते हैं तो यहाँ पे आप बीच में पार्किंग कर सकते हैं। बाइक की पार्किंग यहीं पे है बिल्कुल मंदिर के सामने। और अगर आप गाड़ी के थ्रू आ रहे हैं तो आपको वहाँ गेट से बाहर जाके आगे पार्किंग, कार पार्किंग अलग से दी गई है, वहाँ पर आप गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। पूजा बैंक स्टोर, एम्पोरियम, जयमा कलेक्शन, यहाँ से आप कुछ परचेज करना चाहते हैं तो परचेज कर सकते हैं। और काफ़ी सारे रेस्टोरेंट भी है यहाँ पे बिल्कुल बाहर मंदिर के। यहाँ पे अगर आप कुछ खाना पीना चाहते हैं खा पी सकते हैं। तो यहाँ पे श्री कृष्ण जन्म स्थान अंतर्राष्ट्रीय विश्राम ग्रह है यहाँ पे, तो विदेशी लोग यहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे रूम लेके ठहर सकते हैं। एसी और नॉन एसी रूम यहाँ पे दोनों मिल जाते हैं। और अब बात कर लेते हैं मंदिर के खुलने का समय। तो इवनिंग में मंदिर के खुलने का जो समय है
तो मॉर्निंग में मंदिर खुलने का समय 7 से 9 बजे तक है और इवनिंग में 4 से 9 बजे तक। इस टाइम में आप आके मंदिर को अच्छे से देख सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है विशाल पोत्रा कुंड। जब भगवान कृष्ण जी का जन्म हुआ था तो यहाँ पे माँ देवकी ने उनके वस्त्र धोए थे, इसलिए इसे पवित्र कुंड माना जाता है। Yeah.